नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य के ग्वालियर ज़िला के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप अपने ज़िला के बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। तो ग्वालियर ज़िला, यह ज़िला भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित मध्य प्रदेश के कुल 52 ज़िलों में से एक ग्वालियर ज़िला के नाम से जाना जाता है। ग्वालियर ज़िले का हेडक्वार्टर ऑफिस ग्वालियर शहर में मौजूद है और ग्वालियर ज़िला होने के साथ साथ ग्वालियर मंडल का हेडक्वार्टर भी है और ग्वालियर ज़िला ग्वालियर मंडल के ही अंतर्गत आता है। बात करें कि ग्वालियर ज़िला का नामांकन कैसे हुआ, तो ग्वालियर शहर के नाम के पीछे एक इतिहास छिपा हुआ है। 6वीं शताब्दी में एक राजा हुए सूरज सेनपाल कछुआहों का एक बार में एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त हो गए, मृत अवस्था में थे। तब ग्वालिपा नाम के एक संत ने उन्हें ठीक कर जीवन दान दिया। उन्हीं के नाम पर राजा सूरज सेन ने इस ज़िले की नाम ग्वालियर रखा। बात करते हैं ग्वालियर ज़िला के पड़ोसी ज़िला के बारे में, तो ग्वालियर ज़िला के पड़ोसी ज़िले का नाम भिंड ज़िला, दातिया ज़िला, शिवपुरी ज़िला, मुरैना ज़िला है। ग्वालियर ज़िला में 8 तहसील, 6 नगर पालिका, 2 लोकसभा, 6 विधानसभा, 41 पुलिस स्टेशन, 29 कॉलेज, 21 बैंक, 2 मुख्य सरकारी अस्पताल और 618 गाँव में बटा हुआ है। क्षेत्रफल की बात करें तो ग्वालियर ज़िले का कुल क्षेत्रफल 4,560 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और आबादी की बात करें तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार ग्वालियर ज़िला की कुल आबादी 20,32,000 है, जिसमें कि पुरुष की कुल आबादी 10,90,327 और महिला की कुल आबादी 9,41,690 है। ग्वालियर ज़िले का औसत लिंगानुपात 864 के करीब है, यानी कि यहाँ पर 1000 पुरुष पर 864 महिला हैं। ग्वालियर ज़िला में हिंदू धर्म की आबादी 88% तथा मुस्लिम धर्म की आबादी 9% है। ग्वालियर ज़िला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 419 किलोमीटर तथा देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 363 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। सड़क रास्ते की बात करें तो ग्वालियर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े सड़क हैं जिसके माध्यम से यहाँ के लोग मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों में पहुँच सकते हैं। इस ज़िला के माध्यम से नेशनल हाईवे संख्या 3, नेशनल हाईवे संख्या 75 और नेशनल हाईवे संख्या 92 गुजरती है, जो आगे चलकर मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ती है। यह ज़िला बस के माध्यम से भी पड़ोसी ज़िला और ज़िला के छोटे बड़े गांवों तक भी बस सेवा मुहैया प्रदान कराती है। रेलवे स्टेशन की बात करें तो ग्वालियर ज़िला के मुख्य रेलवे स्टेशन का नाम ग्वालियर जंक्शन है। इस जंक्शन में 5 प्लेटफॉर्म व 6 पटरियां शामिल है और इस जंक्शन का स्टेशन कोड GWL है। और यह जंक्शन दिल्ली, चेन्नई, आगरा, भोपाल, इंदौर, ग्वाली सेक्शन लाइन पर स्थित है और इंदौर जंक्शन नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जोन के झांसी डिवीज़न के अंतर्गत आता है। शिक्षा की बात करें तो ग्वालियर ज़िला में कई ऐसे छोटे बड़े स्कूल व कॉलेज हैं जिसके माध्यम से यहां के बच्चे अच्छी तरह से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। इस ज़िले के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम हम आपको बताएं। इससे पहले ग्वालियर ज़िला की कुल साक्षरता दर 77% है, यानी कि यहाँ की आबादी के अनुसार 77% लोग पढ़े लिखे हैं।
अब यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्कूल व कॉलेज के नाम इस प्रकार हैं: अभिषेक नर्सिंग कॉलेज, आदित्य कॉलेज, अमर भारती महाविद्यालय, अमिटी यूनिवर्सिटी, अंश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, आस्था कॉलेज ऑफ एजुकेशन, DBS कॉलेज, गुरुकुल कॉलेज ऑफ एजुकेशन यहाँ के मुख्य स्कूल व कॉलेज हैं। इसके अलावा यहाँ पर कई भी ऐसे भी यूनिवर्सिटी हैं जो बच्चों को ITI और कई बड़े बड़े कोर्स को प्रदान कराती है। अस्पताल की बात करें तो ग्वालियर ज़िला के मुख्य प्राइवेट अस्पतालों में शुमार सहारा हॉस्पिटल, जया आरोग्य हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल, अग्रवाल हॉस्पिटल, प्राइम हॉस्पिटल, बालाजी हॉस्पिटल आदि नामों से लोग काफ़ी वाकिफ होंगे। वायुसेना की बात करें तो ग्वालियर का राजमाता विजया राजे सिंधिया विमानतल दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल व जबलपुर से जोड़ता है। यहाँ भारतीय वायुसेना का मिराज विमानों का विमान केंद्र भी है। सड़क मार्ग की बात करें तो ग्वालियर सड़क राज्य व देश के अन्य भागों से काफ़ी अच्छे तरह से जुड़ा हुआ है। आगरा मुंबई राष्ट्रीय राज्य मार्ग संख्या 3 ग्वालियर से गुजरता है। ग्वालियर झांसी से नेशनल हाईवे संख्या 75 से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी ग्वालियर से गुजरता है। ग्वालियर भिंड से नेशनल हाईवे संख्या 12 से बहुत ही अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। टूरिस्ट स्थल की बात करें तो ग्वालियर ज़िला खूबसूरती के खजानों से पूरी तरह से भरपूर व मशहूर है। यहाँ के टूरिस्ट स्थल में शुमार महाराजा मान सिंह का किला, सेंट स्टोन से बना यह किला शहर की हर दिशा से दिखाई देता है और शहर का प्रमुखतम स्मारक है। यह ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर गुजरना होता है। इस सड़क के आसपास की बड़ी चट्टानों पर जैन तीर्थकरों का विशाल मूर्तियां बेहद खूबसूरत से बारीकी से गढ़ी गई है। किले की 300 फीट ऊंचाई इस किले के अविजित होने की गवाह है कि इस किले के भीतरी हिस्सों में मध्यकालीन स्थापन के अद्भुत नमूने स्थित किए गए हैं। इसके अलावा तेली का मंदिर 9वीं शताब्दी में गुज्जर राजवंश द्वारा निर्मित एक अद्वितीय स्थापकला का नमूना विष्णु जी का तेली का मंदिर है जो कि 100 फुट की ऊंचाई का है। मानसिंह मंदिर महल, इसे 1886 में 1567 के बीच ग्वालियर के प्रतापी राजा मानसिंह द्वारा बनवाया गया था। सुंदर रंगीन टाइलों से सजे इस किले की समय में बहुत ही अच्छी भिन्नता होती थी, किंतु इसके कुछ आंतरिक और बाह्य हिस्सों में ही इन नीली पीली हरी सफ़ेद टाइल्स द्वारा बनाई गई है जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करती है। तानसेन स्मारक, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अस्थम महान संगीतकार तानसेन जी की अकबर के नवरत्नों में से एक थे, उनका स्मारक यहाँ स्थित है। यह मुगल स्थापना का एक नमूना है। तानसेन की स्मृति में ग्वालियर में हर वर्ष नवंबर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। ऐतिहासिक स्थल की बात करें तो मुरार पहले यह सैन्य क्षेत्र हुआ करता था, जिसे मिलिट्री अफेयर्स रेजिमेंट एरिया रिजर्व MORAR कहा जाता था और संक्षेप में मुरार शब्द मुरार का लोप होकर मुरार हो गया। थाटीपुर, रियासत काल में यहाँ सेना के सरकारी आवास थे जिस पर 34 लाइन्स था। आज़ादी के बाद यह आवास मध्य प्रदेश शासन के अधीन आ गया, जिसे 34 की जगह थाटीपुर कहा गया है। सहस्त्रबाहु मंदिर या सहस्रबहु का मंदिर, ग्वालियर दुर्ग पर इस मंदिर के बारे में मानता है कि यह सहस्त्रबाहु अर्थात हजारों भुजाओं वाले भगवान विष्णु की समर्पित है और बाद में धीरे धीरे सहस्रबहु का मंदिर के नाम से लोग काफ़ी इसे जानने लगे हैं। यहाँ के और भी टूरिस्ट स्थल में शुमार तेली का मंदिर, पान पत्ते की गोठ, गोरखी, मुरार VIP सर्किट हाउस, सेंट्रल पार्क
और भी यहाँ पर कई ऐसे टूरिस्ट स्थल हैं जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तानसेन रेसिडेंसी यहाँ के मुख्य टूरिस्ट स्थल हैं। इसके अलावा उषा किरण पैलेस यहाँ के भी मुख्य टूरिस्ट पैलेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं। इसके अलावा जय विलास पैलेस, सन टेम्पल, गौस मोहम्मद शाह बाबा की मज़ार शरीफ और यहाँ का किला काफ़ी लोगों को लुभाता रहता है। दोस्तों, ग्वालियर ज़िला के बारे में आपकी क्या राय है हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए रेड कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और वीडियोज़ पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।